हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि बिजनेस किस पर डिपेंड है। तो 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कोई भी बिजनेस पर अप्लाई होता है और इसी पर बिजनेस आपका वर्क करता है। तो बिना देर किए हुए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है पहले इसको समझिए। मार्केटिंग टू 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस पर सारा बिजनेस डिपेंड करता है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। छोटा बिजनेस में क्या होता है कि अनस्किल्ड लोग पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ समय के बाद वो बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है या किसी कारण से रुक जाता है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। बड़े बिजनेस में क्या होता है कि इसका एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग का इस तरह का जितना है प्रोसेस वो अलग काम करता है, उसके लिए अलग से एम्प्लॉय होते हैं जो ये काम देखते हैं। पहला है इसमें प्रोडक्ट। भाई साहब, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि आपने कोई सा एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, खाने वाली चीज़ हो या पहनने वाली हो या रोज़मर्रा की हो या यूज़ करने वाला, जो भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसका क्वालिटी बहुत मायने रखता है स्टार्टिंग में। या अगर आपको स्टेबिलिटी बनाना है या इस बिजनेस में बहुत कुछ आगे बढ़ना है तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्ट आपका मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आप कभी भी मार्केट में आपका ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी सारे लोग समझते हैं और पसंद करते हैं। अब दूसरा है प्राइस। प्राइस एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कोई चीज़ डिपेंड करता है प्राइस पर। अब इधर आप प्रोडक्ट बढ़िया बना लीजिए, प्राइस भी, अब प्राइस उसी के हिसाब से उसी के पैटर्न पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्राइस बहुत ज़्यादा रख लिए, अगर ज़्यादा रख लिए तो आपका बिजनेस में ये भी आगे नहीं बढ़ने देगा। लोग समझने लगेंगे कि यार क्वालिटी तो देता है लेकिन बहुत महंगा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अब तीसरे पॉइंट्स पर आते हैं प्लेस। कोई भी बिजनेस के लिए प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेस आपका कैसा होना चाहिए, जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या वहाँ से मार्केटिंग का सुविधा है या नहीं है, तो इस तरह से आपको प्लेस का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना होता है। अब चौथे पॉइंट्स पर आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन कोई सा बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी चीज़ का हो, जैसे आपको अगर कोई सा एक बिजनेस गांव में अगर एक खोलते हैं छोटे ठेले या इस तरह का कोई भी बिजनेस, या आप रेडीमेड्स का रख लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स रख लिए या कुछ भी इस तरह का प्रोडक्ट्स है जो सेल करने वाला है, तो उसका जो प्रमोशन करने का एक तरीका होता है माउथ टू माउथ। और भी बहुत सारा है, हैंडविल है, सोशल मीडिया है, TV है, न्यूज़पेपर है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रमोशन का पैटर्न होता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा फॉलो करते हैं। अगर आपके बजट में है कि माउथ टू माउथ करें तो इसमें तो पैसा लगता नहीं है, ये आप माउथ टू माउथ अच्छा काम करेंगे तो अपने आप हो जाता है। या कुछ स्तर पर खुद से भी करना होता है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ है और ये जो ये मार्केट में उपलब्ध है, चाहिए तो आपको मिल जाएगा, हम डिलीवरी कर देंगे या आपके यहाँ पहुँचा देंगे, या इस तरह से एक क्या होता है कि एक प्रलोभन जिसको कहा जाता है उसके माध्यम से और इसका प्रमोशन किया जा सकता है। अब पांचवें पॉइंट है पीपल। पीपल ही सब कुछ करता है। पीपल एक ऐसा इसमें एक पॉइंट्स है, पाँचवा नंबर, जो कि सब कुछ करता है। अगर बनाने का काम हो तब, सेल करने का काम हो तब, ओनरशिप का काम हो तब, यूज़र हो तब, तो ये सब सबके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ या अच्छा बिहेव नहीं दे रहे हैं तो वो आपको बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। जैसे आप इम्प्लॉई आपके संतुष्ट नहीं हैं, तो इम्प्लॉई संतुष्ट नहीं है तो प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, या आप मार्केट में मार्केटिंग करते हैं तो वो ये आपका मैसेज वहाँ भी जा सकता है कि इनके इम्प्लॉई जो हैं संतुष्ट नहीं हैं, इस जितने भी इम्प्लॉई हैं संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं तो इसका भी बहुत मायने रखता है। अब पीपल एक ऐसा है कि चारों तरफ से घूम फिर कर पीपल पर ही आता है, चाहे प्रोडक्शन हो, सेलर हो, यूजर हो, कंज्यूमर हो, सबके इसी में डिपेंड है और ये एक सर्किल बन जाता है। कोई सा काम करेंगे एक सर्किल बन जाता है, एक दूसरे पर सारा डिपेंड होता है। इसलिए ये सबके साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए। अब ये लास्ट है प्रोसेस, सबको एक सिरे से करके, शेड्यूल से करके, अच्छे तरीके से ले कर चलना एक प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस में अब शुरू में जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है एक प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग किया एक प्रोसेस हो गया, सेलिंग एक प्रोसेस हो गया, कंज्यूमर के पास गया यूज किया अब वो फीडबैक दिया एक प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से ये जो 6 पॉइंट हैं ये सारे बिजनेस के साथ लागू होता है। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से फॉलो करते हैं, किस तरह से फॉलो करवाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।